हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, आपके मैनिफेस्टो में है बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूं, वो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ तो आप एक्शन करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी तीन साल, 2009 में भी तीन साल, 14 में भी तीन साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने की मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया, और आने वाले दिनों में 100% मिलाना। आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो ये महामिलावट का हाल, देखो केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश ने बाहर कर दिया, ये महामिलावट देखने वालों को, और इसलिए ये महामिलावट का खेल अस्थिर सरकार, अकल्पनीय सरकार, इसके कारण ये महामिलावट हो गया ना। देश ने 30 साल ये स्थिति देखी है, देश कतई माँ, अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है, हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। जब बहुमत वाली सरकार होती है, प्रजा देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होती है, तो काम कैसे होता है। 2014 के पहले आपकी सरकार थी, गरीबों को घर मिलना चाहिए ये 1947 से हर सरकार ने विचार किया है, लेकिन 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए, हमने 55 महीने के अंदर 1,30,00,000 घर बना करके चाबी दे दी, और घर भी जिसमें शौचालय है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस का कनेक्शन है, ऐसे 4 दीवारियां बना करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज वो बात आप जहां आपके लोग हैं वो भी आकर के कहते हैं कि मेरे इलाके में आवास अलॉटमेंट करवा दीजिए, और पैसे गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, बिचौलिए नहीं है। अब आपके घोषणा पत्र में 2004 में था, 2009 में था और 2014 में भी था, और आपने कहा था कि वो भी आप, ये 3 साल कहां से ले आए मुझे मालूम नहीं, आपका 3 साल का डेफिनेशन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं। 4 में भी कहा कि 3 साल में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, 4 में कहा था, वही बात 9 में कही, वही बात 14 में कही। जब हम आए तब 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा था, यानी आइडिया नया। अब आप कहेंगे हमारी योजना, आपकी योजना मैनिफेस्टो में लिखा है, करेंगे, लिख दिया। 2004 से शुरू क्या काम आपने, 2014 में पहुंचते पहुंचते 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 55 महीने की हमारी सरकार में 1,16,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। आप वादे करते रहे, आज हमारे खड़गे साहब ने शेर शायरी का मजाक था उनका, और हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी वो उनकी नजर गई, मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली एक पंक्ति क्यों पसंद आई।
लेकिन उसी कविता में, उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष से आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर, अगर वो चीजें आपको याद रहती तो हुस्न वाली पंक्ति है तरम नजर में, अगर वो होता तो आपकी नजर जाती। और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है ये कविता में आपको दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो नहीं। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा, अगर सच वो गली बचा होता तो उसके आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है, अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा है, इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है जी। कांग्रेस 55 साल सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने, 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव, और जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, निष्ठा अटल हो, तो हम 24 घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहते। आप किस प्रकार से काम करते हैं, मैं 21वीं सदी के मतदाताओं को जरूर याद कराना चाहूंगा कि किस नियत से 55 साल तक सत्ता भोग चला है। आप देखिए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, देश की आन बान शान पूरे विश्व में पहुंचाने का एक सुवर्ण अवसर था, लेकिन उस समय एक तरफ हमारे खिलाड़ी पदक जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और ये कॉमनवेल्थ में अपनी वेल्थ उसको जुटाने में लगे थे। 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन आप उसको देख लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, ये सत्ता भोग का परिणाम था और इनकी नियत यही अपना और अपनों का फायदा करना। हमारी नियत लोगों को सस्ता देखा, फोन पर बात करने का खर्च कम हो, और इस पर इसलिए स्पेक्ट्रम की निलामी की व्यवस्था हमने विकसित की। बैंकिंग व्यवस्था क्या करके रखा था, फोन बैंकिंग चलता था, नामदार को पता चले कि इसको मदद की जरूरत है, बैंक को फोन चला जाता था, रुपये निकल जाते थे, पहुंच जाते थे, किस काम के लिए कौन ले जाए, कहां ले जाएगा,
अब सब निकल रहा है तो परेशानियां बढ़ रही है। एक बात को नहीं भूल सकते कि स्वतंत्रता के बाद 2008 तक बैंकों ने कुल 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज दिया, लोन दिया, लेकिन सत्ता भोग की जो राजनीति चलती थी, देश चलाने का तरीका था, उस सत्ता भोग के 55 साल का परिणाम देखिए। 2006 से 2014 6 साल में 2008 से 14 6 साल में ये 18 लाख करोड़ बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। ये फोन बैंकिंग का परिणाम था, लोगों के पैसे थे, लूटे जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। ये आपका तरीका था। 21वीं सदी के मतदाताओं को पता होना चाहिए कि कैसे देश को, तब उनको ये उनकी उम्र इतनी छोटी रही होगी, सब खेल चले, अब उनको ये शिक्षित करना हम लोगों का काम है। मुद्रा योजना से हमने 7 लाख करोड़, ये वही है जो 2014 में आप छोड़ के गए। ये तो ब्याज बढ़ रहा है, एक नया एनपीए नहीं बढ़ रहा है, ये आप छोड़ के गए उसका ब्याज बढ़ रहा है। और हमने कानून ऐसे लाए हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आना शुरू हुआ। हाँ, मुद्रा योजना 7 लाख करोड़ रुपए हमने मुद्रा योजना से दिया, माननीय अध्यक्ष जी, उन लोगों को दिया जिनके पास कोलेटरल गारंटी का भी कोई ताकत नहीं था, और उन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए, ये काम हमने किया है। जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, और बोले मैं सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में संपत्ति है, वो भी जब्त हो गई। ये कानून हमने बनाया, लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कुछ काम आउटसोर्स कर दिए हैं। वैसे अभी 2 दिन पहले मदद की थे तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कांग्रेस ने ये कहा जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, मैं यहां उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। आपके पास सब कुछ है, ठहरिए, आपके पास सब कुछ है, आपको घंटों तक बोलने दिया है। अगर उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी, आपने सेना को एक प्रकार से आपने निहत्ता बना दिया था, वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आप इस सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं, न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छे प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, तो सामान्य व्यवस्थाओं की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की।
पांच साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो टेक्निकल साइड की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दिए हैं। अगर 2014 में उसके बाद भी देश की जनता ज्यादा समझदार है इसे गलती नहीं करती, लेकिन 2014 के बाद भी यूपीए की सरकार बनी होती तो देश का गौरव तेजस लड़ाकू विमान और जमीन पर ही खड़ा होता, वहां पार्किंग किया कर पड़ा होता, वो हवा में नहीं जाता। 2016 में जुलाई में हमने 45 स्क्वाड्रन में शामिल किया और 83 तेजस विमान खरीदने को हमने स्वीकृति दे दी। आपको इसकी चिंता नहीं थी, आप सेना ताकतवर हो ये आपने कभी सोचा नहीं। देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए आपकी इतनी संवेदनहीनता क्यों थी? आपने क्यों कांग्रेस ने पिछली सरकार ने 10 साल में सेना, वायुसेना, नेवी, उसकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज क्यों किया? कल्पना कीजिए उस समय अगर कोई हमारे दुश्मन देशों ने हरकत की होती तो आज देश कहां खड़ा होता? आपने इतना क्रिमिनल निग्लिजेंस किया हुआ है और देश इसको कभी माफ नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है जिस प्रकार से वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए हम, मुझे ये बताइए, 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 ईयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का इस जाए देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दादा को राफेल के लिए सुनना है ना? एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तराश करके देखा है और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो? 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था और इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा कोई माना से ईमानदारी से
देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है। सम्मान्य अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं, सच उनको सुनने की आदत रही नहीं है। और अब परेशानी है, चेहरे चेहरे उतरे हुए हैं और कारण यही है क्योंकि अब राजदार को पकड़ करके लाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन राजदार। अब आपकी चिंता है कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे पूछा जाता है। और चीजें पकड़ाई जाती है, छुप के चीजें पकड़ाई जाती है। और इसलिए इसलिए आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। जहां तक काले धन का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, हम आज ही प्रतिबद्ध हैं, जीरो टॉलरेंस के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ। ये दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। यहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म ना हो। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन किसी न किसी के हाथ पैर कहीं फंसे हुए थे, इसलिए चाहते हुए भी कर नहीं पाते थे। हमें हमारा कोई बैगेज नहीं है, न हमें किसी पर एहसान करना है, न किसी के एहसान पर हम जिंदा हैं। हम तो 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से जिंदा है। और इसलिए जी जान से काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का माजा रखते हैं और अभी तक पीछे नहीं हटे, अभी तक पीछे नहीं हटे हैं और उन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। 8 करोड़ लोगों को जो इस व्यवस्था में थे, जो दलाली लेते थे, आधार की व्यवस्था से 8 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। क्या किया दादा? ये किया, ये किया। बेनामी संपत्ति कानून तो कितने साल पहले बना पड़ा था, लेकिन पार्लियामेंट में बहस कर ली, दुनिया को मैसेज दे दिया, वोट बटोर लिए, लेकिन उसको आगे ही नहीं बढ़ाया गया, इसी प्रकार के रखा गया। हमने आकर के कानून किया और बेनामी संपत्तियां जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं और प्रॉपर्टी निकल रही है कहां कहां। कैसे कैसे, कौन कौन, किसके लिए, कब कब, कहां कहां। और इसलिए परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो हम संकल्प लेकर के चले हैं, इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, रुकावटें अनेक हैं, लेकिन जितनी रुकावटें हैं उससे ज्यादा मजबूत हमारा संकल्प है, जितनी रुकावटें हैं उससे ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं। और इसलिए हम इस बात को, नोटबंदी की परेशानी आपको हो रही है, ये नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां फर्जी, जो रुपयों का कारोबार करते थे, डोनेशन लेना देना रुपये करते थे, ये सब बंद हो गया, ये कारोबार है। और ये चलता रहता, अगर पुरानी वैसी सिस्टम होती तो चलता रहता। ये 55 महीने वाली सेवा भाव की सरकार है, राष्ट्र को समर्पित सरकार है, इसलिए संभव हुआ है। आईबीसी कानून 3 लाख करोड़ रुपया वैसे वापिस आए। माननीय अध्यक्ष जी, एक और जानकारी शायद इस सदन में भी बहुत लोगों को अचरज करेगी। हमने आकर के देश में भिन्न भिन्न संस्थाओं को एक चिट्ठी भेजी, हमने कहा कि आपको विदेशों से धन मिलता है, एफसीआरए कानून के तहत आपको
परमिशन मिली हुई है। आप अपने पैसों का हिसाब दीजिए, विदेश से पैसा आता है कहां उपयोग करते हैं। इतना सा कोई रेड नहीं करनी पड़ी है, किसी इनकम टैक्स वाले को जाना नहीं पड़ा है, एक छोटी सी चिट्ठी गई और आप हैरान हो जाएंगे। इस देश में 20,000 से ज्यादा संगठन, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी जो विदेशों से धन लेते थे। ये 20,000 संस्थाएं क्या करती थी, सीमावर्ती गांव से लेकर के संसद से लेकर के न्यायतंत्र तक, न्याय प्रक्रिया तक प्रभाव पैदा करने का काम होता था, उन पर हाथ उठाने का काम हमने किया है। हिंदुस्तान को नुकसान करने वाले 20,000 संस्थाएं क्या आप नहीं रोक सकते थे? क्यों चलने दी? क्या आशीर्वाद थे? क्या भला होता था आपका? ये विदेशी धन लाने के रास्ते किसके लिए थे? ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसलिए चारों तरफ से अभद्र भाषा सुनने को मिलती है, गाली गलौज सुनने को मिलता है, गंदे आरोप सुनने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सच्ची सरकार, देश के हित में सोचने वाली सरकार आती है तब क्या होता है, ये इससे पता चलता है। 20,000 संस्थाएं बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब तो मैं देख रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े नाम थे वो ऑफिशियली हिंदुस्तान में से अपना कारोबार बंद करके नए नाम से घुसने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ये हाल पैदा हो गया है और आपने देखा होगा, मुझे याद है गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा, पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया, पंडित नेहरू जी ने, और अभी मैंने उद्घाटन किया। कितना देश की पैसा, और इसमें के विषय विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, और किसी ने रोका नहीं इनको। 20,000 संस्थाएं बंद हुई है और आने वाले दिनों में आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हम पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, 55 साल के सत्ता भोग ने कुछ दलों के लोगों की ऐसी आदत खराब कर दी है, वो अपने आप को ऐसा शहंशाह मानते हैं और बाकियों को ऐसा निकृष्ट मानते हैं, हर व्यवस्था को इनका निकृष्ट मानते हैं। हर किसी का अपमान करना मानो उनके स्वभाव में है, हर किसी को अपमानित करना ये उनके स्वभाव में है, और इसलिए मुख्य न्यायाधीश को विवाद में घेरना, पूरा माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना, न्यायतंत्र का अपमान करना, रिजर्व बैंक का अपमान करना, सेना अध्यक्ष का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का अपमान करना, लोकतंत्र का अपमान करना, ये मैं समझता हूं ये सत्ता भोग के कारण आपके अंदर आई हुई विकृति है। और महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे, उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की है। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो, कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में ये काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो बच नहीं सकते हो। हमारे लिए तो हमारे